हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुंबई मेट्रो रेल भर्ती 2020 के बारे में। पोस्ट है स्टेशन मैनेजर, चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर, इंजीनियर और सुपरवाइजर, जिसके लिए 215 पदों पर भर्ती होने जा रही है। और इन पदों के लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी आवेदन शुल्क के। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए अंतिम तिथियाँ 15 मई 2020। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए इन पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है और आपको यहाँ पर क्या सैलरी मिलने वाली है, और आप इनके लिए कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये पूरी डिटेल मैं आपको आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई मेट्रो रेल भर्ती 2020 की पूरी डिटेल के बारे में। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। पोस्ट है स्टेशन मैनेजर, चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर और सुपरवाइजर, जिसके लिए 215 पदों पर भर्ती होने जा रही है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज दे रखी है, जो इस प्रकार है। स्टेशन मैनेजर और चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 41 साल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 46 साल, सेक्शन इंजीनियर के लिए 43 साल और सुपरवाइजर के लिए 40 साल होना जरूरी है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होना जरूरी है और आप इन पोस्ट के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिटेल चेक कर सकते हो। सैलरी आपको मिलने वाली है 9,300 से 34,800 रुपये पर मंथ। दोस्तों, आप इन पोस्ट के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो और ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15/5/2020। यहाँ दोस्तों, आप इन पोस्ट के लिए 15/5/2020 तक आवेदन कर सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट है mmrda.maharashtra.gov.in, जिसके द्वारा आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल आसानी से चेकआउट कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।